हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कॉमन्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं सालसा विद नाचो चिप्स, जिसे बनाने के लिए चाहिए हमें। बनाने के लिए हमने 1/4 कप आटा लिया है, तो हम 1/4 कप पानी रखेंगे। और मैंने बर्तन गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये देखिए, मैंने 1 कप पानी डाला और ये 1/2 कप पानी डाला। और ये देखिए, मेरे पानी गर्म हो रहा है, तो मुझे इसमें ये 1/4 कप आटा डालना है। ये मक्के का आटा है। और आटा डालने के बाद हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और गैस को बंद कर देना है कंटिन्यू मिक्स करने के बाद। ये देखिए, मैं फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। और 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए ताकि आटा हमारा अच्छे से सिज जाए। देखिए, मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है। ये 10 मिनट के बाद हम इसे खोल के इसका बाकी का प्रोसेसिंग करेंगे। 10 मिनट हो चुका है। डो को मैंने कढ़ाई से निकाल दिया है। इस पे मुझे 5 चम्मच मैदा ऐड कर रहे हैं इसे बॉइलिंग करने के लिए। 4 5 चम्मच और 1 पिंच बराबर हमें एक खाने वाला सोडा डालना है। ये आप देखिए, ज़्यादा नहीं डालना है। और नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है और ब्लैक पेपर, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो अच्छे से डालिए, नहीं तो इसमें सिर्फ टेस्ट अकॉर्डिंग डालेगा, क्योंकि इसे सालसा के साथ खाया जाता है तो काफ़ी तीखा अंदर नहीं किया जाता है। अब हमें इसे अच्छे से मसलना है ताकि जो मैदा है पूरा आटे में चला जाए अच्छे से। इसे हल्के हाथ से कीजिए और ये अच्छे से डो बन जाए। ये भी गर्म है, मसलते मसलते ये सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा ये पूरा मिक्स। ये मैदा पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जब हमने गर्म पानी डाला था, बस उसी ही पानी के साथ ये पूरा डो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मेरा डो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस डो को चिकना करने के लिए, ताकि जब हम बेलेंगे तो ये अच्छे से बेला पाए और चिपके ना अपने झिल्ली में। इसे हमें पॉलिथीन के अंदर बेलना है। ये नॉर्मल बेलने पर बहुत मोटा होता है। इसे बारीक बेलने पर जो नाचो चिप्स है वो बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनती है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मसल दिया है और थोड़ा थोड़ा आटा निकालते जाना है और बाकी आटे को हमें ढक के रखना है ताकि वो आटा रेस्ट करता रहे और सूखे ना। ये आटा जल्दी सूखता है। तो इसे एक एक लोई निकालने के बाद, इसमें एक लोई निकाली, उसके बाद इस डो को एक कवर करके रखना है प्लेट से किसी भी तरीके से। ये देखिए, मैंने इस डो को ऐसे तरह रेस्ट कर दिया है और अब मैं आपको इसको बेलना सिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने पॉलीथीन के अंदर अपनी लोई रख दिया है और थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल को ऐसे फैला दीजिएगा लोई के सहारे ताकि जब हम बेलें तो हमें दिक्कत ना जाए। ये देखिए, मैंने एक परत इस पर और रख दिया है और इसे हल्के हल्के हाथों से आप पॉलिथीन को गोल घुमाते जाइए और बेलते जाइए। इसे बारीक तक बेलना है हमें। इसकी शेप को आप ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि ये ऊपर से नहीं है, पॉलिथीन के अंदर बेला जा रहा है, इसलिए ये कोई भी शेप में मिल जाएगा, आपको कोई हेडेक नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट है, पूरा इतना पतला हमें बेलना है। और ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है। अब इसे हम कटिंग करते जाएंगे। ये जितना पतला होता है उतना ही अच्छा चिप्स बनता है इसका। ये देखिए, आसानी से हमारी झिल्ली हट चुकी है इसके पे। अब मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। ये देखिए, ऐसे करके लंबे लंबे आप पहले निशान बना दीजिए 1.5 इंच की गैप में। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको आप हटा सकते हैं। ये मैंने दोनों साइड से हटा दिया। देखिए, इसमें फोक के सहारे से हमें होल करना है। जब अपन तलेंगे तो ये फूलने नहीं चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से होल कर दिया है। और आपको ट्राइंगल ट्राइंगल एक साइड इधर से डायरेक्शन, ये देखिए, ऐसे करके हमें इसको काटते जाना है।
इसी तरह अपन को पूरे आटे की चिप्स बनाते जाना है। मैंने तेल पहले से गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें मैंने टेस्ट कर लिया, वो अच्छे से गरम हो गया है। अब हमने जो नाचो बनाया है उसे हमें इसे धीरे धीरे डालते जाना है। इसे काफी तेज आंच में नहीं रखना है, इसे मीडियम आंच पे रखना है। ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी नाचो चिप्स तैयार हैं। इसे स्पीड स्पीड पे आप डालते जाइएगा। देखिए मेरी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है नाचोस। अभी मैं एक बर्तन में से निकालते जाना है। देखिए मैंने एक बाउल में से निकाल लिया है और इस प्रोसीजर को हमें कंटिन्यू करना है। ये देखिए मैंने बाकी भी तैयारी करके रखा है और बाकी भी हमें ऐसे ही फ्राई करते जाना है सारे डोसे। सलसा बनाने के लिए मुझे एक प्याज, मैंने 3 टमाटर लिए हैं। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से सालसा, मेरे बच्चों को सालसा अच्छा लगता है नाचो के साथ, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा ओरिगैनो, ब्लैक पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग, सॉल्ट भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, सॉल्ट ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि केचप में भी सॉस रहता है। इसको 4-5 टमाटर हमें टमाटो केचप डालना है। यदि आप तीखा पसंद करते हैं ना तो इसमें चिल्ली का फ्लेवर डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से टॉक्स करना है ऊपर से नीचे ताकि ये अच्छे से पूरा फ्लेवर युक्त हो जाए। और ये देखिए हमारा कितना टेस्टी सा कलरफुल बना है ये सालसा हमारा। और उधर हमारे नाचो भी बन के तैयार हो चुके हैं और हमारे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारा बनेगा। इसमें देखिए अभी केचप की और नीड है, जब तक ये मॉइस्चर नहीं रहेगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। सॉस अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप, यदि आपका सालसा बच जाता है तो ख़राब नहीं होता है। हम जितने भी स्नैक्स होते हैं हम सबके साथ खा सकते हैं, लेकिन बच्चे सालसा बहुत शौक से खाते हैं। जब चार लोग खाने बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता है सालसा कहाँ खत्म हो गया। ये देखिए हमारा सालसा बनके रेडी हो गया है और ये हमारे नाचो भी बनके रेडी हो गए हैं। इसे आप अपने घर पे बनाइए और बताइए कैसा लगा। और कोमल्स किचन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक मैं पहुंचा सक। ये देखिए सालसा मैंने नीचे नाचो चिप्स रखा है और ऊपर हमें सालसा फैलाते जाना है। और आप इसमें चाहे तो चीज डिप भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीज डिप नहीं तैयार किया है। और चीज डिप देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ये देखिए मेरा नाचो चिप्स बन के तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर पे जरूर बनाइए और बताइएगा कैसा लगा। इस किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। नमस्कार दोस्तों।